गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर पी बी इंगळे एंड आई एम वर्किंग एज अ असिस्टंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एट पी आर पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट अमरावती. ओके, सो स्टूडेंट्स, इन योर फर्स्ट थ्री लेक्चर्स, लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू एंड लेक्चर नंबर थ्री, सो टूडे वी हैव टू कंडक्ट द लेक्चर नंबर फोर. Today's lecture number is 4. Okay. And what is the title? The today's title is write down. First is thermal conductivity. Thermal conductivity. Okay. This is our today's titles. Okay, boys. What is the title? Thermal conductivity. So, what is the symbol? The symbol of the thermal conductivity is K. Barabar hai? मतलब थर्मल कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है बच्चों? के से है. तो देखिए अभी इसकी डेफिनेशन क्या है. सो हियर वी नो फ्रॉम द फूरियर्स लॉ इक्वेशंस. What is the equation we have, students? Q is equal to Ka dt upon dx. Suppose I consider these equations. I am not considering any minus sign here, only I consider the equation Q is equal to Ka dt upon dx. So from this equation, what is we get, students? We get K is equal to Q upon A into dt upon dx. We getting this value. Okay, K is equal to what is Q, and this term going into the denominator. So K is equal to Q upon A into dt upon dx. ये बच्चों टर्म हमको यहाँ पे मिल जाएंगी. अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, what is I am doing here, in that equation I make the some adjustments. बराबर, इसमें मैं एडजस्टमेंट करता हूँ तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा. K इज इक्वल टू Q अपॉन A. ओके, दिस टर्म आई राइट डाउन एज इट इज. इसको मैंने वैसे के वैसे लिखा, बराबर है. अब आगे देखिए इधर मैं क्या लिखता हूँ, इनटू व्हाट इज, अब ये जो मैथमेटिक की टर्म है dt अपॉन dx, इसका मैं कर दूंगा रैशनलाइजेशन. तो क्या मिल जाएगा अपने को, dx अपॉन dt. ये हो गया रैशनलाइजेशन, dt अपॉन dx. तो ये dx कहाँ चले गया बच्चों? ऊपर चले गया, इसका हो गया रैशनलाइजेशन. तो व्हाट इज आई गेटिंग, q अपॉन a इंटू dx अपॉन dt. दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. व्हाट इज द इक्वेशन? K इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. सो इन प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट्स, व्हाट इज, वी ड्रॉ द डायग्राम्स. आई ड्रॉ हियर डायग्राम. ओके, दिस डायग्राम वी हैव टू ड्रॉ इन 3D. आई ड्रॉ दिस डायग्राम, राइट? यस, दिस इज द हीट फ्लो. This is the heat flow Q, right? There is a temperature difference. This is the T1 and this is the T2. The graph is like that, right? This is the thickness. How much it is? dx. Okay. And what is the area? The area is this one. This is the area is, what is? A is the area. Okay. So from this equation, boys, we write down these equations. Okay. K इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. अब इसका मैं डेफिनेशन बनाऊंगा, किसका? थर्मल कंडक्टिविटी का. तो देखिए क्या डेफिनेशन आएगा थर्मल कंडक्टिविटी. Q क्या है? मेरी हीट. A क्या है? मेरा एरिया. dx क्या है? मेरा थिकनेस. और dt क्या है? मेरा टेम्परेचर डिफरेंस. तो क्या डेफिनेशन आएंगी देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? वेरी सिंपल, क्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट, द रेट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ
हीट और एनर्जी एनर्जी कंडक्टेड कंडक्टेड इसके अंदर से क्या फ्लो हो रही बच्चों, एनर्जी फ्लो हो रही, या एनर्जी का क्या हो रहा, कंडक्शन। हीट को मैंने क्या वर्ड दिया, एनर्जी वर्ड दिया। द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी कंडक्टेड थ्रू 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 अ बॉडी थ्रू अ बॉडी, दिस इज अवर बॉडी, दिस इज द अवर बॉडी और फिगर। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी, वट इज द बॉडी पर यूनिट एरिया, थ्रू अ बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, दिस इक्वेशन आई राइट डाउन हियर, क्यू पर यूनिट एरिया। द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट का मीनिंग होता है उसको डिवाइडेशन करना, उसको डिवाइड करना पर यूनिट एरिया से, मतलब एरिया कितना है अपने पास में अभी, वन, क्योंकि पर यूनिट, यूनिट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, वन होता है। ओके, पर यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस, थिकनेस को भी मैंने क्या कंसीडर कर लिया, यूनिट वन कंसीडर कर लिया, एंड यूनिट थिकनेस डी एक्स इज नथिंग बट द थिकनेस, आई राइट डाउन हियर, डी एक्स इज अ थिकनेस, इज अ थिकनेस। इसको भी मैंने बच्चों क्या कंसीडर कर लिया, यूनिट कंसीडर कर लिया, मतलब वन कंसीडर कर लिया। ओके, एंड अ यूनिट थिकनेस इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम। देखिए अच्छे से समझे डेफिनेशन को, यूनिट थिकनेस इसको भी मैंने वन बना लिया, इन अ यूनिट टाइम, टाइम को भी क्या बना लिया मैंने वन, मतलब वन सेकंड बना लिया, इन अ यूनिट टाइम। व्हेन व्हेन द डिफरेंस, व्हेन द डिफरेंस ऑफ अ टेम्परेचर्स, व्हेन अ डिफरेंस ऑफ अ टेम्परेचर, व्हेन अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स, कहाँ पे डिफरेंस है टेम्परेचर बच्चों, ये फेस के, जो बॉडी जो अपने पास में दिया उसका ये वाला फेस और एक ये साइड वाला फेस, व्हेन द डिफरेंस ऑफ अ टेम्परेचर्स, व्हेन व्हेन द डिफरेंस ऑफ अ टेम्परेचर बिटवीन बिटवीन द फेस फेस कॉजिंग कॉजिंग द हीट फ्लो कॉजिंग द हीट फ्लो इज यूनिट टेम्परेचर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस दिस इज द सिंपल डेफिनेशंस आई हैव टू राइट डाउन हियर्स व्हाट आर द डेफिनेशंस वंस अगेन द अमाउंट ऑफ हीट और एनर्जी कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी दिस इज द बॉडी वी हैव दिस बॉडी फ्रॉम द फूरियर्स लॉ वी कंसिडर दिस द अमाउंट ऑफ अ हीट और एनर्जी कंडक्टेड थ्रू अ बॉडी पर यूनिट एरिया मीन्स दिस क्यू बाय ए पर यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस थिकनेस को भी मैंने कितना कंसिडर किया है बच्चों वन इन अ यूनिट टाइम टाइम को भी मैंने कितना अज्यूम किया है वन व्हेन द डिफरेंस ऑफ अ टेम्परेचर बिटवीन द फेस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस आ गया टी वन और टी टू का द हीट फ्लो इज यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस तो टेम्परेचर डिफरेंस को भी मैंने क्या बना लिया वन ही बना लिया तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों हियर सो डी एक्स अपॉन डी टी फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटरमाइन द यूनिट व्हाट इज द यूनिट बट बिफोर डिराइव द यूनिट्स वी कैलकुलेट दिस वैल्यू हाउ वी गेटिंग दिस वैल्यू तो सी हियर बॉयज के इज इक्वल टू वन यहाँ पे मुझे के की वैल्यू वन मिल गई कैसी वन मिल गई देखिए क्यू अपॉन ए को भी मैंने क्या कंसिडर किया बच्चों वन कंसिडर किया मतलब Q भी मेरे पास में वन A भी मेरे पास में वन dx भी मेरे पास में कितना है वन और dt भी मेरे पास में कितना है वन ये जो वैल्यू लिखी है मैंने ये किसके ऊपर से लिखी ये डेफिनेशन के ऊपर से तो K की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएंगी वन मिल जाएंगी ओके अब इसका यूनिट क्या रहेगा ऐसा यूनिट तो देखिए अभी व्हाट इज द यूनिट K इज इक्वल टू क्यू
का जो यूनिट था वो क्या था बच्चों अपने पास में, वैट, जूल पर सेकंड के लिए वैट। एरिया काय में है बच्चों, मीटर स्क्वायर में, इनटू डीएक्स बोले तो थिकनेस वो काय में रहेगा मीटर, और टेम्परेचर डिफरेंस काय में रहेगा केल्विन में लिए या फिर सेल्सियस में लिए, नो प्रॉब्लम्स। व्हाट इज वी गेट हियर, दिस मीटर इज कैंसल, तो वी गेटिंग के इज इक्वल टू वैट पर मीटर केल्विन। दिस इज द SI यूनिट ऑफ अ थर्मल कंडक्टिविटी, या पे मीटर केल्विन भी ले सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं वैट मीटर डिग्री सेल्सियस, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने थर्ड सेम में पढ़ा है कि दोनों का क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहाँ पे केल्विन भी ले सकते हैं, वहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द हीट ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज टू लर्न द स्टडी ऑफ मीन्स लर्निंग द हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट, दिस के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस के द हीट ट्रांसफर डज नॉट टेक्स प्लेस, ये के बिना हीट ट्रांसफर तो कभी होगा ही नहीं, ये बहुत जरूरी टर्म है हमारे इस सब्जेक्ट में। ओके, अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, आई सॉ समथिंग, अब ये जो मैंने के निकाला है तो ये के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग मटेरियल के लिए। अगर मैं कंसीडर करता हूँ कॉपर, कॉपर का मटेरियल, तो उसके लिए के की वैल्यू मेरे पास में है हाउ मच, द के इज 385 और समटाइम 390। व्हाट इज द यूनिट, द यूनिट इज वैट मीटर केल्विन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ के इज इक्वल टू 385 वैट मीटर केल्विन। ओके, दिस इज द के फॉर व्हाट इज कॉपर। इफ यू कंसिडर फॉर अनदर डिफरेंट सब्सटेंस वी हैव द वाटर, ऐश, देन गोल्ड, सिल्वर, देन डिफरेंट मेटल्स वी हैव, नॉन मेटल्स, सो दिस के वैल्यू विल बी चेंज। ओके, एंड दिस हीट ट्रांसफर, इफ यू ऑब्जर्व इन दिस इक्वेशन, हीट ट्रांसफर जो है बच्चों किस पे डिपेंड है, के पे डिपेंड है, क्योंकि क्यू का इसके साथ में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली जितना के मेरा ज़्यादा होगा उतना हीट ट्रांसफर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं कॉपर कंसिडर करता हूँ जिसकी वैल्यू है 385 वैट पर मीटर केल्विन, और मैं कंसिडर करता हूँ अगर एकांदा अपन ने कॉन्क्रीट अगर मैं कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कॉन्क्रीट, तो कॉन्क्रीट की थर्मल कंडक्टिविटी है मेरे पास में व्हाट इज, इट इज 1.2 वैट मीटर केल्विन, सो दिस इज द वेरी लेस वैल्यू। अब मैं अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे क्यू की वैल्यू क्या मिलेंगी बच्चों, बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा के उतना फास्ट क्या होगा मेरा वहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। सो ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो फिर कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है बच्चों वो क्यों ज़्यादा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, देखिए थोड़ा सा मैं बताया था वो आपको। ओके स्टूडेंट्स, जो हम थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे कि जैसा मैंने कॉपर बताया आपको, कॉपर सिंबल क्या है इसका, Cu, इसका नंबर कितना है 29, बराबर है। अब 29 इसका एटॉमिक नंबर है कॉपर का, और कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे, देखिए अभी मैं सिंबल बताता हूँ, क्या फार्मूला है अपना, ट्वाइस एन स्क्वेयर, दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशंस यहाँ पढ़े 10वीं में 11वीं 12वीं में, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसा यहाँ पे मेरी ये न्यूक्लियस है, यस और नो, यस, ये मेरा पहला शेल हो गया, दिस इज माई न्यूक्लियस कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा शेल हो गया, ये तीसरा शेल हो गया, और ये चौथा शेल हो गया, यस और नो, यस। तो अभी ये जो फार्मूला बच्चों यहाँ पे लगा है ट्वाइस एन स्क्वेयर, तो पहला जो शेल है मेरा फर्स्ट शेल में अगर मैं एन के वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मेरे पास में, 2 आ जाएंगे, क्योंकि एन का स्क्वेयर हो जाएगा 1 और ये 1, दिस इज माई फर्स्ट शेल, तो इसमें मेरे ये पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स,
राइट, जो कैसे अभी स्टेबल फॉर्म में, अनस्टेबल है क्या? नहीं, स्टेबल है। उसके बाद में अगर मैं एन की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये मेरा सेकंड सेल क्या बन जाएगा? सेकंड सेल बन जाएगा मेरा 2 इंटू एन का स्क्वायर हो गया 4, तो कितने आ गए? 8। इसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सेकंड सेल के लिए। फिर बाद में मेरा थर्ड सेल आ गया, थर्ड सेल के लिए फार्मूला लग जाएगा ट्वाइस एन स्क्वायर, एन की वैल्यू आ गई 3, 3 का स्क्वायर बोलो तो कितना हो जाएगा ये 2 × 9 मल्टीप्लाइड बाय 18, मतलब इसमें आ गया 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 बचा। तो बचा अभी कितना आखिरी का शेल, तो आखिरी के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया? सिर्फ आखिरी का जो शेल है उसमें आ गया मेरा 1 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आ गया? 2, 8, 18 एंड 1। अब ये जो स्टेबल में है, 2, 8 और 18 स्टेबल है, तो आखिरी में ये जो है ये क्या है मेरे पास में? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और जब भी फिर मैं कॉपर को अगर करंट सप्लाई करूँगा, ओके, दिस इज माई कॉपर, दिस इज द रेजिस्टेंस, व्हेन यू सप्लाई द वोल्टेज अक्रॉस द कॉपर्स, सो करंट विल बी फ्लो। ओके, करंट फ्लो मीन्स दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लो। अब ये तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, कॉपर का अपने पास में वायर, तो उसमें तो लाखों करोड़ों खरबों में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे? दौड़ेंगे, जब उसके ऊपर क्या आएगा? वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मतलब उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है फिर बच्चों? ज़्यादा, मतलब जिसके पास में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसकी उतनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो यही उसके पीछे का एक थोड़ा मैंने साइंस आप लोगों को रिवाइज करके दिया, ये तो आप 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ चुके ऑलरेडी। ओके, जिसके आउटर शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे लिए क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है, लेकिन जिसके आउटर शेल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या रहेंगी बच्चों? कम रहेंगी, और वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? इंसुलेटर्स। जैसा ये वुड है तो वुड हमारे लिए क्या बन गया बच्चों? इंसुलेटर बन गया। उसके बाद में अपन गोल्ड लेंगे, गोल्ड की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कास्ट आयरन लेंगे, स्टील लेंगे, उसके बाद में एल्यूमिनियम लेंगे, एल्यूमिनियम की कितनी है बच्चों? 225 वाट मीटर केल्विन, बराबर है, मतलब कॉपर से क्या है उसकी? कम है, और कॉपर की क्या है? ज़्यादा है। इसलिए ये जो कॉपर मटेरियल के जो वायर है, जैसे हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे घर में जो वायरिंग रहती है वो वायर कैसे बने रहते हैं बच्चों? सब कॉपर से बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे तो हमारे को करंट की वैल्यू भी क्या मिलेंगी? ज़्यादा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ही क्या है? फ्लो ऑफ करंट्स। और दूसरा एल्यूमिनियम है, कॉपर से भी ज़्यादा किसकी थर्मल कंडक्टिविटी है? गोल्ड की है, लेकिन गोल्ड वी कैन नॉट यूज़ बिकॉज इट इज़ वेरी हाईली कॉस्टली, सो दैट्स वाई वी कैन यूज द कॉपर और अनदर वी कैन यूज द एल्यूमिनियम। ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स और सम आर सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो दिस इज द बेसिक, ओके, वी नो दिस ऑल आइडिया, वी ऑलरेडी लर्न इन 12th स्टैंडर्ड ऑल दिस थिंग्स, वट एवर आई एम राइट डाउन हियर। वट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस डेफिनेशंस। ओके, यू राइट डाउन दिस डेफिनेशन, देन फॉर यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी वी कंसिडर ऑल दिस वैल्यू इज 1, देन वी डिटरमाइन द यूनिट्स, वट इज वैट मीटर केल्विन, दिस इज अवर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस इज वेरी आईएमपी डेफिनेशन, यू शुड नो this value and we should know the definitions. Okay boys, now another topic we have to discuss here, see,
ओके। अब दूसरा टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, सो राइट डाउन द सेकंड टॉपिक। द सेकंड टॉपिक इज व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। कौन सा? थर्मल रेजिस्टेंस। अब थर्मल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं देखिए, अभी समझ के यहाँ पे वेरी इजी। अब यहाँ पे मैं कंसेप्ट यूज करूंगा एनालॉगस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस थर्मल रेजिस्टेंस। सो सी हियर, वी नो बाय द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप बच्चों पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, दिस इज द सिंपल ओम्स लॉ। जब मैं वोल्टेज अप्लाई करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा? करंट। अगर ये मेरे पास में एक वायर है, यहाँ पे मैंने कोई भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके अक्रॉस में क्या लगेगा यहाँ पे? वोल्टेज। यस और नो? यस, वोल्टेज विल बी देयर्स एंड करंट विल बी सर्कुलेटेड्स। दिस इज माय रेजिस्टेंस, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट्स। सो वी इज इक्वल टू व्हाट इज आई इंटू आर। जब तक मेरे पास में वोल्टेज नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता, तब तक करंट फ्लो होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। जब मेरे पास में वोल्टेज रहेगा तभी सर्किट में से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। अगर मैं वोल्टेज को निकाल देता हूँ तो ये सर्किट में से करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास में कुछ भी रेजिस्टेंस है, ट्यूबलाइट लगा है, टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, ये सब क्या है? मेरे रेजिस्टेंस है। जब जैसे ही मैंने वोल्टेज लगा दिया तो करंट फ्लो होना चालू हो गया, ये सर्किट में जाएगा, अपना काम करेगा और करंट वापिस यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज लूप। वी रिक्वायर्ड ऑलवेज अ क्लोज लूप। तो ये इधर देखिए, अभी मैं क्या लिखता हूँ? सो आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज डी वी अपॉन आर, मीन्स करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज माय इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो इलेक्ट्रिकल का ओम्स लॉ है, दिस इज एनालॉगस विथ अवर थर्मल रेजिस्टेंस। सो हाउ इट इज एनालॉगस? टू सी हियर बाय द एनालॉगस हाउ वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू बाय द फूरियर्स लॉ। व्हाट इक्वेशन वी गेट? वी इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू व्हाट इज? वी गेट डी टी अपॉन व्हाट इज डी एक्स अपॉन What is K A? We already draw this equation by the simple. ये मैंने ऐसा बनाया था, Q is equal to K A dt upon dx. इसका क्या किया मैंने? Rationalization, dt upon dx. तो ये K A को कहाँ लेके गया मैं बच्चों? नीचे लेके गया। This is the rationalizations. So that's why we get here dt upon dx upon K A. तो इसको देखिए मैं कैसा लिखूंगा अभी। अब क्यू क्या है? मेरा हीट फ्लो है। देखिए अभी, दिस इज माय इक्वेशन नंबर सपोज हियर। क्यू मीन्स नथिंग बट द हीट फ्लो, हीट फ्लो। ओके, दिस क्यू, राइट। डी टी मेरा क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है। डी टी इज माय टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, और ये जो बची हुई टर्म अभी डी एक्स अपॉन के ए, ये मेरा क्या हो जाएगा अभी? थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखिए अभी डी एक्स अपॉन के ए, दिस इज माय थर्मल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस। सो दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस शो बाय द वैल्यू। व्हाट इज इट? इज शो बाय द वैल्यू इज आर टी एच थर्मल रेजिस्टेंस डी एक्स अपॉन के ए, विच इज वेरी आई एम पी। This is okay. Means this dx upon k is replaced by what is RTH. So finally, I am write down here Q is equal to dt upon what is RTH. This equation, suppose this is equation number
टू विल बी देयर्स, बराबर है। अब इधर देखिए बच्चों, ये थर्मल रेजिस्टेंस हमारे मैकेनिकल में कैसा हुआ, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिकल का पार्ट है ये जो डायग्राम मैंने बनाई, मैकेनिकल में कैसे, तो देखिए अभी वन सेकेंड आई ड्रॉ द फिगर। दिस फिगर आई ड्रॉ, यस और नो? यस, बराबर है। यहां से ये मेरा क्या है टी वन, यह है मेरा बच्चों टी टू, ये क्या हो रही हीट फ्लो क्यू, ये क्या थी मेरी थिकनेस डी एक्स, और ये क्या था इसका एरिया, बराबर है। ग्राफ मेरा ऐसा लीनियर था क्योंकि हीट फ्लो क्या हो जाएंगी कम कम होंगी, क्यों कम होंगी क्योंकि डी एक्स बढ़ेगा, और डी टी मेरा क्या है टेम्परेचर डिफरेंस टी वन माइनस टी टू, यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों ज़्यादा, यहाँ का क्या रहेगा कम, तो हमेशा क्या आएगा टी वन माइनस टी टू या फिर टी टू माइनस टी वन। ओके, सो वी गेटिंग दिस इक्वेशन हियर विच वन सी, क्यू इज इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स, दिस इज अवर फूरियर्स लॉ, इसको एडजस्टमेंट करके मैंने ऐसे लिखा क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, के ए कहाँ चले गया इसके नीचे, ये हो गया रैशनलाइजेशन, सिंपल मैथमेटिक्स 10वीं 12वीं का, ये डी एक्स अपॉन के ए, फिर डी एक्स अपॉन के ए को अपन ने क्या बना लिया बच्चों आर टी एच, दैट इज नथिंग बट द वट इज अ थर्मल रेजिस्टेंस, ये मेरा थर्मल रेजिस्टेंस है आर टी एच, आर टी एच इज नथिंग बट द थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, हाँ, अब इधर देखिए बच्चों, क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी टी के, मतलब जितना मेरा टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा उतना क्यू का वैल्यू भी क्या आएगा बच्चों ज़्यादा आएगा। ओके, लेकिन आर टी एच पे देखिए, आर टी एच क्या है मेरा डी एक्स अपॉन के ए, अब थर्मल रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो क्यू क्या हो जाएगा कम, क्योंकि क्यू का रिलेशन क्या है इसके साथ में, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर टी एच। अगर आर टी एच बढ़ रहा, आर टी एच बढ़ रहा मतलब क्या बढ़ रहा बच्चों डी एक्स बढ़ रहा है, इसको भी समझे अच्छे से, मैं समझा के देता हूँ अभी इसको भी आपको, आर टी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी एक्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द के ए। आर टी एच कब बढ़ेगा जब उसका डी एक्स बढ़ेगा, जैसी ये वॉल है एक, ये दूसरी मैं एक छोटी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ एकदम छोटी, सपोज दिस, सिंपल डायग्राम आई ड्रॉ हियर, इसका डी एक्स क्या है बच्चों कम है इससे, इसका ज्यादा है, इसका क्या है कम है, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस क्या रहेगा ये फिगर के लिए कम रहेगा, जितना रेजिस्टेंस कम उतना ज्यादा क्या फ्लो होगा बच्चों हीट फ्लो होगा, क्योंकि आसानी से हीट फ्लो हो जाएगी। इधर देखिए दोनों को, इसका थिकनेस ज़्यादा इसका थिकनेस कम, तो जिसका थिकनेस कम है वहाँ का रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा कम रहेगा, रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो हीट फ्लो क्या हो जाएंगी फास्ट हो जाएंगी, राइट। और ये आर टी एच भी किस पे डिपेंड है बच्चों डी एक्स और के ए पे, अगर थर्मल कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है ये के अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने आप कम हो जाएगा, मतलब अगर कॉपर अगर मेरे पास में है तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा कम, और उसमें से हीट क्या होंगी आसानी से फास्ट फ्लो हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो मेरा क्यू बढ़ेगा। ओके, सो व्हाट इज द एनालॉगीज हियर, वी सी द एनालॉगस। सो अब इधर देखिए दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, एनालॉगस करता हूँ, तो कंपेरिजन में क्या दिख रहा है मुझे देखिए, आई जो है वो किसके साथ में है क्यू के साथ में, एनालॉगस में, एनालॉगस में देखिए आई हो गया किसके साथ क्यू के साथ, उसके बाद में ये जो वोल्टेज है बच्चों, ये वोल्टेज किसके साथ में रहेगा बताइए, करेक्ट डी टी के साथ में, डी वी हो गया किसके साथ में रिलेटेड डी टी के साथ में एनालॉगस, और फाइनली जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है आर वो किसके साथ में होगा एनालॉगस, आर हो गया मेरा एनालॉगस डी एक्स अपॉन के ए के साथ में, तो ये डी एक्स अपॉन के है मेरा मैकेनिकल रेजिस्टेंस, और ये आर था मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द व्हाट इज अ थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, अगर इसको देखिए अभी बच्चों, ये आर टी एच का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरा
थर्मल कंडक्टेंस, ये अगर मेरा थर्मल रेजिस्टेंस है, एक और मैं सिंपल डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आरटीएच का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये वन अपॉन आरटीएच, तो ये क्या लग जाएगा, के ए अपॉन डीएक्स, तो ये क्या है मेरा थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे तुम, थर्मल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अ थर्मल रेजिस्टेंस नथिंग बट द थर्मल कंडक्टेंस। ओके, सो दीज आर द सिंपल एक्सप्लेनेशंस और एक्सप्लेनेशन आई गिवन हियर, और इसका अगर मैं नाम अगर बताऊंगा तो ये बन जाएगा वन अपॉन आर टी एच अपॉन सी, इसके सामने सी लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा थर्मल कंडक्टेंस के लिए। ओके, सो दीज आर द सिंपल टॉपिक्स टुडे वी हैव टू डिस्कस, थर्मल कंडक्टिविटी और दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, ये डायग्राम आपको समझ में आ गई, इसको अगर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में तो कैसे डायग्राम बनेगी देखिए बच्चों, यहाँ पे बनाता हूँ देखिए कैसे बनेंगी, दिस इज द रेजिस्टेंस एंड दिस इज, ये मेरा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T1, ये मेरा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया T2, यस और नो, यस, ये होगी मेरी हीट फ्लो क्यू, और थर्मल रेजिस्टेंस हो गया मेरा ये RTH, बोले तो हाउ मच DX अपॉन KA। तो ये डायग्राम को मैंने सर्किट के फॉर्म में निकाला, मतलब ये जो पूरा अपना मैकेनिकल जो है यहाँ पे ये वॉल और वट एवर द डिवाइस वी हैव, दिस इज रिप्लेस बाय RTH DX अपॉन KA T1 और ये मेरा T2। ओके, तो शायद आप लोगों को सब समझ में आया होगा कि थर्मल रेजिस्टेंस किसको कहते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी किसको कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स आई स्टॉप हियर, इफ यू लाइक माई वीडियोज तो प्लीज शेयर माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, देन शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू प्रेस द बेल आइकॉन बटन्स। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू लर्न द न्यूमरिकल्स डिपेंड्स अपॉन द फूरियर्स लॉ, दिस थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।